हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के पकौड़े की रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने आलू को वॉश करके पीसेस में कट कर देना है। आप जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ऐसे पीसेस में कट किया है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस तरह के पीसेस चाहिए। सो अपने अकॉर्डिंग आप आलू को कट कर सकते हो और आलू को शेप दे सकते हो। देन उसके बाद मैंने क्या किया है, इसमें प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को पतला एंड लंबा लंबा काट दिया है। एंड उसके साथ ही मैंने हरी मिर्च भी इसमें ही ऐड कर दिए कट करके। प्याज और आलू को अलोंग विद हरी मिर्च को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। ये मैंने थोड़ा पाउडर कोर्स किया है, थोड़ा बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी नहीं है एंड बिल्कुल कोर्स भी नहीं है। सो मैंने इसे थोड़ा सा क्रश कर दिया है। दैट इज़ जीरा एंड अजवाइन, टू स्पून्स ऑफ जीरा एंड अजवाइन हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम 1 स्पून ऑफ ये आपका धनिया सीड्स थे जो मैंने क्रश करे हैं। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, देन हल्की सी मेथी इसमें ऐड करेंगे हम इसमें। एंड मैंने कुछ यहाँ पर लहसुन कट कर दी है, चॉप्ड लहसुन है। मैंने 6 क्लोव्स ली थी लहसुन की। देन इसके अलावा फॉर टेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 स्पून ऑफ योर गरम मसाला अलॉन्ग विद 1 स्पून ऑफ योर आमचूर। आमचूर की जगह पे आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। या कुछ लोग सूखे हुए पॉमीग्रेनेट के सीड्स को भी यूज़ करते हैं, ड्राइड पॉमीग्रेनेट सीड्स। एंड 1 स्पून ऑफ देगी लाल मिर्च। देन हम इसके बाद इसे मिक्स करेंगे प्रॉपरली। जैसे हम सारे मसालों को मिक्स कर देंगे इस मिक्सचर में, देन वी विल ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। यहाँ पर मैंने 1 स्पून लिया है, 1.5 स्पून। इसमें सॉल्ट को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन से क्या होगा कि जो ये हमारे मसाले हैं अलोंग विद प्याज एंड आलू, वो बाइंड हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। बेसन को मैं धीरे धीरे ही ऐड करूँगी। अभी ये मेरा 3रा स्पून है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैं 4 स्पून अभी लूँगी। देन अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और बेसन को ऐड करूंगी। मिक्स करने के लिए मैं कोशिश करूंगी जितना स्पून से मिक्स होगा। अगर प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाता है देन आई विल यूज़ माई हैंड्स। आप देख सकते हो ये काफ़ी ड्राई हो गया है। सो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी में मैंने पहले ही हींग को डिसॉल्व कर दिया है। एटलीस्ट आप देख सकते हो कि कितना मैंने पानी, और बस थोड़ा सा आई थिंक 1-2 स्पून आप ले सकते हो। मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है। सो इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हैं जितना मैंने बेसन इसमें ऐड किया था उससे थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत मुझे पड़ी है, तो मैं 2 मोर स्पून इसमें ऐड करूंगी, 2-3 स्पून। सो मैं दोबारा से इसे प्रॉपरली मिक्स करूंगी। एंड सिमिलरली जो मेरे पास बचा हुआ पानी था हींग का, आप देख सकते हो हींग का पानी है, अलोंग विद हींग मैं इसमें सारा सारा ऐड कर दूंगी।
आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली मिक्स हो गया है एंड बेसन की वजह से आलू और प्याज एक दूसरे से बाइंड हो चुके हैं। सो अब हम तेल को आंच पे रखेंगे। तेल मीडियम गरम हो चुका है, जो काफ़ी सूटेबल रहता है पकौड़े तलने के लिए। सो हम धीरे धीरे हम पकौड़ों को ऐड करते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। मेक श्योर कि आप मीडियम फ्लेम में ही पकौड़ों को तलें, बिकॉज अंदर से अगर आप हाई फ्लेम पे रखते हो तो वो पकते नहीं है, इसलिए मीडियम फ्लेम पे रखना है। एंड अगर आप लो फ्लेम पे रखोगे तो वो तेल ज़्यादा सोखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आप कुछ देर के लिए उसको बंद भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है, तो हम और साथ में पक भी गए हैं, तो हम क्या करेंगे इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि अच्छे से पक भी चुके हैं एंड काफी अच्छा कलर भी आ चुका है। अब हम सिमिलरली इसी तरह बाकी का जो बचा हुआ मटेरियल है उनके पकोड़े बनाएंगे। ये हमारा दूसरा बैच है, सो अभी मैं इसको पकने दूंगी। मैंने सारे पकोड़े तल दिए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इसे तोड़ के देखते हैं, बाहर से क्रिस्पी लग रहे हैं ये। बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, जस्ट यमी। अब इसे हम सर्व करते हैं। ये मैंने पकौड़ों को सर्व कर दिया है प्लेट में, अलोंग विद आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हो एंड ठंडी सॉस के साथ भी खा सकते हो। एंड इसके ऊपर अगर आप चाट मसाला ऐड कर दोगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।